ये मैं हूँ, देखा राखी निकली मैं निकला। अरे बात रे, आंखों में चकाचौंध हो गया, अंधेरा हो गया। ये देख रहे हो या? थैंक यू सो मच। Well, happy, of course, definitely. When you do something like this, you feel very happy. I'm very happy. I've got a very good cast ensemble. है जो cast का इतने कमाल के actors हैं, राज जुच्ची जी हैं, मोहन कपूर जी हैं, मोहन जोशी जी हैं, पंकज धीर जी हैं, अनिता राज जी हैं, जरीना जी हैं, तो बड़ा मज़ा आया इतने सारे लोगों के साथ। और प्लस डेफिनेटली ऑफ कोर्स मुद्दा 370, जैसे हमारे राइटर साहब ने कहा कि यू नो हम ये नहीं दिखाना चाहते कि क्या हुआ, किसके किसका फ़ायदा किसका नुकसान, बट 370 की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे वो दिखाएं इस फिल्म में, उसकी वजह से कौन कौन अफेक्ट हुए, किस किस को इफेक्ट हुआ, ये दिखाया गया। या जब मेरे पास ये सब्जेक्ट आया मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, 370 एक आर्टिकल है मुझे इतना पता था, बट लेकिन मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि यू नो यहाँ पे तो ये तो ऐसा है कि जो लोगों की ज़मीन थी, जिन लोगों का सब कुछ था, उन्हें वहाँ से निकाला गया। प्लस आप अभी ना यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, यानी अगर आप कश्मीरी हो, आपकी कोई ज़मीन है, तो आपको यहाँ अंदर ही बेचनी होगी, और कोई कहीं नहीं बेच सकते, कोई बाहर वाला नहीं ले सकता। ये सब मैंने जब रिसर्च की तब पता चला, ये स्टोरी में उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे, तो मैंने बोला यार ये लोगों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ था और क्या है 370, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता है तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की जिन्हें सिर्फ धारा पता है लेकिन उसके क्या है क्या नहीं है वो नहीं पता होगा। That's why I did this film and इस फिल्म के ज़रिए अब हम पहुँचाएंगे लोगों तक कि घाटी में इसके क्या साइड इफेक्ट्स हुए। नहीं मतलब अप्रेंसिव इसलिए नहीं था क्योंकि स्क्रिप्ट में क्लियर ये था कि एक्चुअली क्या हुआ था उसकी वजह से वो दिखा रहे हैं, कोई भी पक्षपात नहीं है कि यू नो दीज गाइज वर राइट और ये राइट थे या ये गलत हुआ या ये सही नहीं, इसकी वजह से क्या हुआ, हु सफर्ड एंड व्हाई, ये दिखा, तो इट्स वेरी क्लियर। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि लोगों ने देखा कि बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बर्फ़ है, सब कुछ है, बट लिटरली हमारी हालत ख़राब थी। लकीली फॉर मी आगे पीछे की कंटिन्यूटी की वजह से जैकेट्स थे, तो मैं इक्का दुक्का जैकेट पहन के फिर भी ठीक था, लेकिन बिलीव यू मी ऊपर जैकेट से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी और ठंड थी, हालत ख़राब हो रही थी। बट येस दैट्स द चैलेंज। एंड जब मैंने ये देखा कि कैमरा वाला वो अपना कैमरा उठा के उस बर्फ़ में नीचे से ऊपर तक जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता यार वो, और मैं तो फिर भी जैकेट पहना हुआ था, उसने बेचारे ने जैकेट भी नहीं पहना हुआ था, वो कैमरा लाद के, कैमरा गिर गया तो वो भी गया, उसकी नौकरी भी गई, और कैमरा के जाने के वजह से शूटिंग का भी, आप समझ सकते हो, तो कैमरा लाद के लेके गया है बंदा, कोई ऐसे चॉपर या कोई इक्विपमेंट नहीं है ऊपर लेके जाने का, यू हैव टू वॉक ऑन योर फुट, गो अप, टेक द कैमरा ऑन योर शोल्डर, तो वैन ही कैन डू इट वी कैन ऑल्सो डू इट, सो दैट्स हाउ वी ऑल डिड इट। पूरा क्रू ऊपर चढ़ के गया बर्फ़ में, उस बर्फ़ में चलना इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज यू स्लिप एंड यू गो डाउन, दो तीन लोग गिरे, हम मैं भी गिरा दो तीन बार, बट दैट्स हाउ यू लर्न कि कैसा रखना है ग्रिप, कैसा रखना है, वेरी डिफिकल्ट बट मज़ा है। A lot of things. I am doing a couple of web series which are huge. I've signed an NDA, which, that's why I can't disclose. But announcements are expected soon, and of course, two more movies after this. Thank you so much.